पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम कुंडलाहरण पर्व 310वां अध्याय। इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कुंडल लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण बोला, वासव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। राजन, तब इंद्र ने शक्ति के विषय में 2 घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय हो जाए। सूत नंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जाएगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, मैं महासमर में अपने एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूं जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है जिन्हें वेद वेत्ता, विद्वान पुरुषोत्तम, अपराजित, हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण हैं जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण बोला, भगवन, ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विभत्स न होना चाहिए। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विभत्स नहीं होगा। तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति ना आ जाए तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यों ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग करूंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना प्रारंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभियां बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित कर दिया गया
तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूत पुत्र इस दशा में पहुंच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, वे वीर पांडव उन दिनों कहां थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और 12वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया? ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन में भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडेय जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ, अनुचर, सूत तथा रसोइयों के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडला हरण पर्व में कवच कुंडल दान विषयक 310वां अध्याय पूरा हुआ। आरणेय पर्व 311वां अध्याय, ब्राह्मण की अरणी एवं मंथन काष्ठ का पता लगाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे दौड़ना और दुखी होना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भी भारी क्लेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया, तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैत वन में ही चले आए। वहां स्वादिष्ट फल मूलों की बहुतायत थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। द्वैत वन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव, इन सभी शत्रु संतापी संयम नियम परायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान क्लेश उठाया, परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ। राजन, उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था। वहीं एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग के सिंग में अटक गए। राजन, उन काष्ठों को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। कुरुश्रेष्ठ, उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहीं आया। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास तुरंत आकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है और अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म लुप्त न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव करणी, नालीक और नाराज नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहां उस मृग को
बींद न सके। घोर प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ न लगा, सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गए। तत्पश्चात उस गहन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल छाया वाले बरगद के पास आकर बैठ गए। उनके बैठ जाने पर नकुल अत्यंत दुखी हो अमर्ष में आकर बड़े भाई कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया, फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में मृग का अनुसंधान विषयक 311वां अध्याय पूरा हुआ। 312वां अध्याय, पानी लाने के लिए गए हुए नकुल आदि चार भाइयों का सरोवर के तट पर अचेत होकर गिरना। युधिष्ठिर बोले, भैया, आपत्तियों की न तो कोई सीमा है, न कोई निमित्त दिखाई देता है और न कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप फल बांटता रहता है। भीमसेन ने कहा, जब प्रातिकामी की जगह दूत बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी की भांति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला, इसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन बोले, सूत पुत्र कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों को भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर लिए, उसी से आज हम धर्म संकट की अवस्था में आ पहुंचे हैं। सहदेव ने कहा, भारत, जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया और उस समय मैंने उसे मार नहीं डाला, उसी का यह फल है कि आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, वहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो। तात, तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देख रहा हूं जो जल के किनारे ही होते हैं, सारसों की आवाज भी सुनाई देती है, अतः निस्संदेह यहां आसपास ही कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक गए और जहां जलाशय था वहां तुरंत पहुंच गए। वहां सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, ता, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहां से गए बहुत देर हो गई, तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा, साथ ही प्यास से भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े और उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यहां पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है,
तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ ले भी जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन विभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए बहुत देर हो गई, तुम्हारा कल्याण हो तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ, तात तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड़ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थककर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन क्यों पानी के निकट जा रहे हो, तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहां का पानी पियो और साथ ले भी जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको, सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर झड़ी लगा दी। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अर्जुन उस समय करणी नालीक तथा नाराज आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष बोला, पार्थ इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहां का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप भरत नंदन, नकुल सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए बहुत देर हो गई, वे अभी तक नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहां वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ, इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन यह निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, तात पानी पीने का साहस न करना, इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहां मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहां रूरु मृग वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया है। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था
और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बेंत, केवड़े, करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में नकुल आदि चारों भाइयों के मूर्छित होकर गिरने से संबंध रखने वाला 312वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।